everyone, welcome to Mala Non Kon Academy. My name is Ehsan Mala. Today we are going to discuss about some important question of trigonometry. तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 8. इससे पहले हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्कस किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और लेक्चर नंबर सेकंड में हमने इंपॉर्टेंट फार्मूला सब बताया था ट्रिग्नोमेट्री के. इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते. पहले इन दोनों लेक्चर को आपको ज़रूर देखना पड़ेगा ताकि आपको क्वेश्चन में कुछ बेटर समझ में आएगा. जब आपका कंसेप्ट अच्छी तरीके से कंसेप्ट बिल्ड होगा तो तब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. आपको क्वेश्चन इजी टू कर सॉल्व कर सकता है विदाउट बेसिक कंसेप्ट. आप बेसिक कंसेप्ट के बिना आप आगे नहीं जा सकते. तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ पहले उन दोनों लेक्चर को देखिए ताकि आगे बढ़े हो. तो डियर स्टूडेंट, चलो बने रहे आप लोग भी कॉपी और पेन लेके मेरे साथ. वीडियो को लास्ट तक देखिए. जहाँ आपको समझ में नहीं आते, जहाँ आपको प्रॉब्लम आते हैं, वहाँ वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा देखिए. चलो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहला एक्सरसाइज 8.1, इसमें टोटल क्वेश्चन 11 क्वेश्चन है. तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं उसी को सॉल्व करता हूँ. खासकर जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 यहाँ पे, और 7, 6 नहीं है, 7. ये जो होते हैं 3, 4, 5, 7, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 8.1 में से यही इंपॉर्टेंट है. आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिए, क्योंकि बार बार इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है. तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह हम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. आज हम लेक्चर नंबर फर्स्ट में लेक्चर नंबर डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व करेंगे. हर चीज हम बेसिक लेवल से समझा देंगे, आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है. चलो हम साइन ए इक्वल टू 3/4 फाइंड कॉस ए एंड टेन ए. हमें दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4, हमें क्या निकालना है, कॉस ए एंड टेन ए निकालना है. तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इससे पहले आपको एक फार्मूला याद रखना है. मैथमेटिक्स करते समय ये फार्मूला आपके दिमाग में रखना चाहिए. रीता फाइंड डॉग सो क्यूट. ये क्या होता है, पहले क्वेश्चन को रीड करो, फिर क्वेश्चन को अच्छी तरह क्या फाइंड करना है ये ढूंढो, फिर डिसाइड करो किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को आप, फिर इसके बाद सॉल्व करो, फिर इसके बाद चेक करो. अगर मैथमेटिक्स में अगर ये फार्मूला आप अप्लाई करेगा तो आपको कोई भी क्वेश्चन है ईजीली आ जाएगा. पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करो, फिर क्या फाइंड करना है क्या डिसाइड करो, फिर सॉल्व करो, फिर चेक करो. ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है. देखो हम किस तरह अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए. सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. हमें क्या फाइंड करना है, हमें कॉस ए और टेन ए फाइंड करना है. तो हमें ये फाइंड करना है. तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम किस तरह इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे. तो सबसे पहले आपको गिविन क्या दिया है, पहले गिविन लिखना होता है. गिविन में आपको दिया है साइन ए इक्वल टू 3/4. इसका मतलब क्या होता है, साइन होता है, आपको एक फार्मूला याद है हमने बताया था कि पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा. ये फार्मूला तो सबको याद है ना, हमने पिछले लेक्चर में बताया था आप लोगों को. ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है. तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये पी है, ये आपका एच है. तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसपे बी पे हम 90 एंगल रखेंगे, ए बी सी रखेंगे, नाम जो भी रखो आप, लेकिन एंगल ए पे, ये एंगल की याद रखना हमेशा के लिए. साइन ए की बात हो रहा है, अगर साइन ए की बात हो रहा है तो इसकी सामने वाला पी हो जाता है, और इसकी जो एडजेसेंट साइड होता है बेस, इसको बेस कहा जाता है, और सबसे जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो होता है हमारा हाइपोटेन्यूज. तो साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना दिया है, 3 दिया है हमें मालूम है, और हाइपोटेन्यूज हमें 4 दिया है. अगर हम कॉस और टैन को निकालना है तो सबसे पहले हमें बेस चाहिए, क्योंकि इन दोनों में क्या है, बेस है. अगर कॉस और टैन ए को फाइंड करना है, सबसे पहले हमें बेस मालूम होना चाहिए. तो हम कैसे पता करेंगे बेस, दो सेट आपको गिवन है, जो बेस सबसे पहले बेस फाइंड करना है. तो बेस फाइंड करने के लिए हमें पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करना है. क्या अप्लाई करना है, पीजीटी. तो पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे इस पे. तो पीजीटी हमें क्या बोलता है, अप्लाइंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, बहुत इजी है। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे, हाइपोटेन्यूज हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर हो गया, और बेस हमारा हमें मालूम नहीं है, इसको निकालना है हमें, परपेंडिकुलर हमारा है 3 का स्क्वायर। अगर इसको इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है आपको 16 बन जाता है। फिर ए बी का स्क्वायर ऐसे रहने दो, इसको आप ऐसे रहने दो, और ये बी सी का स्क्वायर, बी सी का यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। अगर इसको और सॉल्व करेंगे हम आगे, तो अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखो, यहाँ पे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 16 में से ये इसको इधर ले जाओ माइनस 9 हो जाएगा। अगर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू 16 में से अगर 9 निकालेंगे तो कितना बच गया आपका, आपको 7 बच गया। ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर को हम इससे ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 7 आएगा। एक्चुअली प्लस माइनस 7 आता है, लेकिन आप सब लोगों को मालूम है मेजरमेंट हमेशा के लिए, जो लेंथ हमेशा के लिए क्या आता है, पॉजिटिव में आता है, इसलिए अंडर रूट यहाँ पे 7 आएगा। एक्चुअली प्लस माइनस 7 आएगा, लेकिन माइनस वाला यहाँ पे इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि लेंथ हमेशा के लिए किस में आता है, पॉजिटिव में आता है, इसलिए। तो ए बी का वैल्यू मिल गया हमें 7, हमें बेस मिल गया कितना 7 मिल गया हमें। तो हम आगे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब हमें 7 मिल गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कॉस और हमें करना है कॉस और टैन फाइंड करना है। तो हमारे पास बेस कितना आ गया, ये हो गया 3, बेस आ गया अंडर रूट 7। हम सबसे पहले कॉस फाइंड करना है, तो कॉस ए इक्वल टू, कॉस किसके बराबर होता है, हमें पता है कॉस जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस हमारा, बेस का वैल्यू अंडर रूट 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें करना है टैन ए, टैन ए, टैन ए का वैल्यू कितना आएगा, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3, और बेस हमारा क्या है अंडर रूट 7। इस तरह से आपको निकलना है, कितना इजी है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन सॉल्व करना। कॉट ए इक्वल टू 8, फाइंड साइन एंड सेक ए, आपको क्या दिया हुआ है, आपको गिवन दिया है, आप सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे, बहुत इजी है। गिवन, सबसे पहला गिवन लिखना, गिवन क्या दिया है 15 कॉट ए इक्वल टू 8, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट ए इक्वल टू 8 अपॉन 15, 15 को नीचे ले जाओ 8 अपॉन 15, ये हो गया। तो इससे पहले हम इसका नाम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ए बी सी, ताकि आप उनको बेटर समझ में आएगा। तो कॉट, कॉट किसके उल्टा होता है, टैन के उल्टा होता है, तो हम जो होता है कॉट होता है टैन के उल्टा, टैन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो कॉट उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस कितना है इस ट्रायंगल, या ए की बात करो, ए की बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे पास है 8, ये बेस है आपका, और परपेंडिकुलर तो सामने वाला हो जाता है, इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 15, ये होगा 15। तो हमें साइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो पहले पीजीटी से हम इसका हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, फिर जब ये निकालने के बाद हमारे पास, इसके बाद हम सेक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें पीजीटी इस्तेमाल करके, हमें अप्लाइंग पीजीटी, अप्लाइंग पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, ए बी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इस बार हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो ऐसे रखेंगे इसको, हम निकालना है ए बी का वैल्यू गिवन है आपको 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है, हम सीधा लगेंगे 8 का स्क्वायर, और बी सी का स्क्वायर हमें 15 का स्क्वायर, ठीक है। बात हमें क्या करना है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो गया 64, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 298 आएगा, 298 225 प्लस 64,
एसी का स्क्वायर इक्वल टू एट का स्क्वायर होता है 64, 15 का स्क्वायर होता है 225, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 289, 289 की ये यहाँ पे स्क्वायर को इस साइड ले जाओ और रूट हो जाएगा अंडर रूट 289, अंडर रूट 289 की इसकी स्क्वायर होता है 17 के होता है, तो आपको मिल गया आपका हाइपोटेन्यूज कितना मिल गया 17 मिल गया। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं साइन और कॉस, कैसे करेंगे हम इजीली फाइंड कर सकते हैं साइन और कॉस को, देखो हम किस तरह करेंगे इस क्वेश्चन को, ये सब मिटा देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, साइन ए निकालना है, तो साइन ए निकालना है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन परपेंडिकुलर कौन सा ए ये है, साइन है कि आप ये सामने वाला परपेंडिकुलर 15 है आपका, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अभी हमने निकाला था, ये हाइपोटेन्यूज कितना आया था 17, तो 15 अपॉन 17 आया इसका आंसर। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सेक निकालना है, तो सेक के लिए हमें सेक किसका उल्टा होता है, सेक ए, सेक होता है, सेक का वैल्यू क्या होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस, कॉस था हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था कॉस, इसको उल्टा करो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाता है, सेक के उल्टा क्या, कॉस के उल्टा सेक है, सेक हो गया तो कितना हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, हाइपोटेन्यूज आपका 17 है और बेस आपका कितना है यहाँ पे 8 है, 17 अपॉन 8 आएगा इसका आंसर। आई होप आपको समझ में आए ये चीज़।